मेरा सवाल ये है कि मैंने एक ज़मीन खरीदी, उसकी कीमत पहले 2 लाख थी, अब मान लीजिए 50 लाख हो गई। तो खरीदते समय उसमें मान लीजिए 2 लाख में से 1 लाख सूद था, जो अब मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि उसे मैं अब पुरानी कीमत के हिसाब से निकालूंगा या नई कीमत के हिसाब से निकालूंगा। अगर मेरे को जैसे उसे बेचना होता तो मैं आज की कीमत से निकालता, मैं ज़कात देता, लेकिन उसे बेचना नहीं, मुझे रखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा? जो 2 लाख सूद, जो 1 लाख 2 लाख जो भी सूद आपने उसमें लगाया था, सूद की रकम थी, आप वो रकम जब भी आपको एहसास हुआ कि आपने सूद लेकर के गलत किया था और उस सूद को आप इस्तेमाल भी कर चुके हैं, आप उस सूद से छुटकारा पा लीजिए, उतनी रकम आप कहीं पर दे दीजिए, किसी गरीब इंसान को दे दीजिए या रफाहे आम्मा में कहीं पर उसको खर्च कर दीजिए, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, इसमें सवाल जी ये भाई, था कि मतलब वो पुराने वाले 2 लाख में 1 लाख निकालू कि अब वो नहीं, 50 लाख जितना का हो गया तो जितना 25 लाख निकालू? नहीं, जितना था उतना आप दे दीजिए भाई। वो जमीन थोड़ी सूद की थी, सूद का तो आपका पैसा था ना जो आपके जिम्मा है, जी, सूद का पैसा था जो आपके जिम्मा है, जमीन तो आपकी है, तो आप अच्छा, वो तो अगर पैसा जो मुझे है वो उसे, आप उस पैसे से छुटकारा हासिल कर लीजिए, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। अगर वो मिसाल के मुझे तौर पर बेचनी भी अगर आप, होती, अगर आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तब भी मैं पुराना वाले निकालता? मुझे आप भाई मुझे बताएं। आप सुनिए, 20 साल पहले आपने 50,000 रुपया सूद लिया था किसी से, 20 साल पहले। अब जाहिर है 20 साल पहले उस 50,000 की जो वैल्यू थी आज उससे बहुत ज्यादा है। तो अगर जब आज आपको अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी और दीन की तरफ रुजू करने की तौफीक दी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस 50,000 की आज जो वैल्यू है आप उसको निकालिए। आप वो 50,000, आपके जिम्मा 50,000 ही है, आप वो 50,000 निकालेंगे। जी, जज़ाक अल्लाह। जी साथ मैं यही बात जिक्र कर रहा था कि अगर अभी किसी को आपने कर्ज दिया है 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया आपने उसपे सूद वाला कर्ज नहीं दिया है, बल्कि सीधा कर्ज दिया है, तो आप वो 10 साल के बाद आपको लौटाने आएगा, तो कितना आप लेंगे उससे? हाँ, कर्ज में तो वही लेंगे, लेकिन मैं सोचा था जमीन की जो कीमत है वो शायद इसमें वही है, मैटर आप करे। आपने कर्ज ही लिया ना, वो सूद नहीं, वाला लोन वाला जो आपने किया है। वो मेरे ही पैसे थे।